अस्सलाम वालेकुम मिस, मैं इधर मौजूद हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो काइंडली टाइप यस। मिस बिल्कुल क्लियर है। ओके, आई एम नूर इफंदी, द होस्ट ऑफ मिराल प्रोजेक्ट। मैम जवेरिया, कैन यू हियर मी? जी मिस बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ। ओके मैम, चले स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4, हमारे बैच 1 का लेक्चर नंबर 4 डिलीवर किया जा रहा है वॉइस ओवर बाय मैम जवेरिया अतीक। सो मैम जवेरिया, इट्स ओवर टू यू, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। ओके मिस, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम, हमें अभी राइमा ने ज्वाइन किया है। राइमा कैसी हैं आप? और अगर आप इधर मौजूद हैं और आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में यस लिखिएगा या बताइएगा कैसी हैं आप और खैरियत से हैं। मैम आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया राइमा। और आयशा बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है, आयशा आपका शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स लिए, पिछले लेक्चर्स अटेंड किए तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि आज का जो सेशन है वो मैं शुरू करूं, जिसमें मैंने वॉइस ओवर के हमने बात करनी है अर्निंग ट्रेंड्स पे, और थोड़ा सा पीछे से मैं रिवाइज करूंगी कि हमने जो पिछले लेक्चर्स मैंने दिए उन्हें आज के लेक्चर्स के साथ को रिलेट करूंगी, लिंक करूंगी कि हमने जो सीखा वो अब हमने उससे कैसे मदद लेनी है और कैसे आगे बढ़ना है। आयशा नो फर्स्ट क्लास, मैम रिवाइज कर दें। ओके, एक तो मैं इधर अपना सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप वॉइस ओवर सीखना चाहती हैं और क्यों सीखना चाहती हैं, इससे पहले आपने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की, या अगर आपको आज पता चला? मैं वेट कर रही हूँ आयशा और रायमा, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा, वक्त जाया किए बगैर मैं बताती हूँ कि लास्ट टाइम एक्चुअली मैम मेरी वॉइस अच्छी है, मैं इसमें इजाफा करना चाहती हूँ। ठीक है रायमा, ओके। सबसे पहले ये एतमाद होना बहुत जरूरी है, अगर आप समझती हैं कि आपको इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, आपकी आवाज अच्छी है, और अगर आवाज आवाज तो सबकी अच्छी होती है, उस पर काम करना होता है थोड़ा सा, और वो क्या ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी आवाज को कमर्शलाइज कर सकते हैं। मैंने पिछले 4 लेक्चर्स में, गालिबन मैंने 4 लेक्चर्स दिए और उनमें मैंने ये बताया, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि वॉइस ओवर क्या होता है। ओके ठीक है, आप तक, आप सबका पैगाम मुझ तक पहुंच गया, अब अपने गौर से सुनना है। आप मुझसे भी रब्ता कर सकती हैं, मैं आपको जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, और बाजू का स्टूडेंट्स का जी नहीं चाह रहा होता कि वो जाएं और पिछले लिंक्स देखें, तो मैं आपको दोबारा से जो मैंने लेक्चर्स डिलीवर कर चुकी हूँ उनके बारे गाइड कर दूंगी, या आपको पर्सनली बता दूंगी कि आप कैसे अपनी आवाज पे मेहनत कर सकती हैं, बल्कि आप लोगों की एक वीडियो भी बनवा दूंगी। जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स हैं वो भी इन कॉन्टेक्ट है, और हम कोशिश करें कि जल्दी पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाए। फर्दर वन बाय वन मैं उनकी आवाजों पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, बल्कि खुद से अपने पास से कोई पैराग्राफ या पोइट्री या कोई स्टोरी भी दे देती हूँ कि इसे रिकॉर्ड करें, और खुद भी उसे प्रनाउंस करके उसका तलफ्फुज बताती हूँ और सारी चीजें। अच्छा, पहले लेक्चर में मैंने बताया था वॉइस ओवर क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, या इसकी अहमियत क्या है, इसका स्कोप क्या है। फिर मैंने प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया था,
और मैंने बताया था कि कौन सी एप्स हैं जहां से हम अपना तलफ्फुज, अगर हमें कहीं तलफ्फुज में परेशानी आ रही है या हम कंफ्यूज हैं, हमें किसी लफ्ज का तलफ्फुज नहीं पता, तो वो कौन सी एप्स या साइट्स हैं जहां से जाके हम मदद ले सकते हैं। एक तो हमारे टीचर्स होते हैं ना, अगर कोई हमारे पास गाइडर मौजूद नहीं है तो सोशल मीडिया या इंटरनेट तो हमारे पास अवेलेबल होता ही है। तो उसमें से एक ऐप थी खासतौर पे उर्दू लुगत, ठीक है, मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगी। बल्कि लाइव स्किल्स के ग्रुप में मौजूद है, मिनाल प्रोजेक्ट का जो FB का ग्रुप है उधर भी मौजूद है। उर्दू लुगत थिसारिस, उर्दू थिसारिस डिक्शनरी, यहाँ पे जाके तलफ्फुज देखा जा सकता है। तलफ्फुज का एक बहुत अहम किरदार है, उससे मतलब आपकी आवाज ना बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, वरना आवाजें तो सबकी ही अच्छी होती हैं। और फिर मैंने सिखाया कि हम अपना जो लबो लहजा है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरी आवाज नहीं क्लियर, मिस नूर मैम, बताइएगा। आपकी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आयशा, फिर आपके नेट में प्रॉब्लम है, वो मैम बोल रही मेरी आवाज क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो मेरे सेशंस होते हैं ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन ही होती है। जितना मैं ज्यादा आप लोगों को जान पाती हूँ, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को वन बाय वन गाइड कर सकती हूँ। अच्छा, मैं बता रही थी लबो लहजे पे। फिर हमने सीखा पिछले लेक्चर्स में कि लबो लहजा किस कदर जरूरी है और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। एक तो हम फॉलो करते हैं किसी का एक्सेंट, लेकिन किसी के एक्सेंट को फॉलो करने से ज्यादा अहम ये चीज है कि हर इंसान का अपना एक एक्सेंट होता है, या अगर नहीं भी है तो खुद पे मेहनत करके अपना एक अलग अंदाज बनाया जाए, क्योंकि हर इंसान का अंदाज यूनिक होता है। उस अंदाज को, उस स्टाइल को, उस एक्सेंट को पॉलिश करने की जरूरत होती है। और उसके बाद मैंने एक ऐप के बारे में बताया था कि इस वॉइस ऐप है, और एक दो माइक्रोफोन्स के बारे में बताया था, इजी VOICE वॉइस। यानी बेसिकली ये मैंने कुछ टेक्निक्स इसलिए बताई थी क्योंकि हम या सभी स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं एक ऐसे तबके से ताल्लुक रखते हैं, बाज़ औक़ात हम नहीं भी अफोर्ड कर सकते, जो माइक्रोफोन कभी 5,000 to 2 lakh तक माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि हम मतलब एक अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए भी ऐसी रिकॉर्डिंग करें, ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग करें कि वो बड़ों बड़ों को कम्पीट कर सके। अच्छा, उसमें एक और चीज, मैं नाट पढ़ती हूँ लाइक प्रोफेशनल, ये बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा और मैं आपको उसमें भी मतलब काफी गाइडलाइन दे सकती हूँ। अच्छा, एक और चीज मैंने जो स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व की है, आपके मैसेज ने मेरी बात स्किप कर दी, मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया है। खैर, अच्छा मैं बता रही थी रिकॉर्डिंग के बारे में कि हम मतलब नहीं भी अफोर्ड कर सकते, और जो मैंने चीजें बताई या जो मैंने वॉइस ऐप बताई उसमें हम ऐसी मतलब कुछ टेक्निक्स की जरूरत होती है कि आपको मोबाइल एक जगह पे रखना है, आपकी सांस की आवाज नहीं उसमें आनी चाहिए, जो हवा का इर्तियाश पैदा होता है वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, उससे आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है। कुछ टेक्निक्स की जरूरत होती है। हाँ, मैं बात कर रही थी कि मैंने स्टूडेंट्स में जो एक चीज ऑब्जर्व की है, अब उन्हें ऐप तो पता चल गई, अब मुझे एक और ख्याल आया कि माइक्रोफोन से भी काम नहीं हो सकता, वॉइस से भी काम नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा अहम आपका अपनी आवाज पे काम करना है। मैंने देखा कि बच्चों के पास माइक्रोफोन्स भी अवेलेबल है, वॉइस भी, वो एप्स भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है, सब कुछ, सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपनी आवाज पे काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जाना आप सब स्टूडेंट्स से बात करके कि सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो आपको अपनी आवाज पे काम करने की जरूरत है। हम सब इस तलाश में रहते हैं कि भाई हमें कोई माइक्रोफोन बता दो, हम सब बच्चे
या मिंटोर्स या गाइडर्स इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर्स बताए जाए। ओ माय गॉड, मेरे पास तो स्टूडियो ही नहीं है, मैं कैसे अच्छा काम करूं। मैं भी एक एक हद तक या एक वक्त तक यही समझती रही, लेकिन अब मेरा जो ख्याल है वो बदला है कि नहीं, सॉफ्टवेयर्स की जरूरत नहीं है, माइक्रोफोन्स की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने तलफ्फुज पे, अपने लबो लहजे पे काम करने की जरूरत है। जैसे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिकॉर्डिंग्स अपनी शेयर की, तो ऐप तो उनके पास मौजूद है, माइक्रोफोन भी मौजूद है, सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद है। उन्हें अपनी आवाज से काम लेना नहीं आ रहा है, वो तलफ्फुज पे काम नहीं कर रही है, वो एक्सेंट पे काम नहीं कर रही है, आवाज उनकी बुलंद नहीं हो रही। हाँ, अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक और बात जो राइमा और आयशा बताई वो थी, कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी। एक एक्सरसाइज थी हमिंग की और एक थी थ्रो वॉइस की, कि कैसे आप अपनी आवाज को मतलब बाहर थ्रो कर सकते हैं। कि जैसे मैंने बताया था कि जैसे एक थिएटर है और उसमें एक एक्टर है या वॉइस एक्टर है, वॉइस आर्टिस्ट है, और वो स्टेज पे मौजूद है, और वो अब चाहता है, कोई माइक नहीं मौजूद, वो चाहता है कि उसकी आवाज थिएटर में बैठे आखिरी बंदे तक जाए, आखिरी पर्सनालिटी तक, उसी एक्सेंट में जाए, उसकी आवाज फटे भी ना, वो यूं भी ना हो के सबको अपनी बात समझाने की खातिर चीख चीख के बोले, बल्कि एक अच्छी आवाज जाए। तो उसके लिए थ्रो वॉइस यानी उस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो थ्रो वॉइस एक्सरसाइज के जरिए की जाती है। और एक मैंने रेमेडी बताई थी कि लाइक आप एक पानी लेते हैं, उसमें शहद या इलायची वगैरह डाल लेते हैं और उसका जो कहवा बना लेते हैं। तो कभी अगर लाइफ में या उसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे आपकी आवाज काफी अच्छी हो जाती है। और जो मशकें मैंने बताई थी, यूट्यूब पे भी आपको वोकल एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, उससे आपकी आवाज, आपको इब्तिदा में बस उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपकी आवाज खुद ब खुद बनती जाती है। लाइक मैंने ये बताया था कि मैंने लास्ट टाइम जो एक्सरसाइजेस की थी वो मैंने 1.5 साल पहले, मतलब शायद 2019 में या 2020 की इब्तिदा में की थी, बस तब की थी। और रेगुलर मतलब हम सब लोग रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो शुरू में आपको थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है। पहले 1-2 दिन आपको लगेंगे, आपको मुश्किल होगी, आप जब रिकॉर्डिंग करने लगेंगे, कभी जिसे कहते हैं हमारा सलाइवा, हमारे सलाइवा थूक हमारे मुंह में आ रहा होता है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और या हमारी आवाज फट रही है, गला बैठ जाता है, तो वो एक्सरसाइज से ओवरकम हो जाता है। एक मैंने एक्सरसाइज बताई थी AEIOU वाली, जो हमारे वोवल्स होते हैं ना, इनसे हम अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि ए इस तरह की एफर्ट करके जब हमारा सारा वो खौफ वगैरह निकल जाएगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसी तरह इब्तिदा में हम जब रिकॉर्डिंग करने बैठेंगे, अगर हम एक स्टोरी रिकॉर्ड करें, हमें इसका तलफ्फुज़ नहीं आ रहा, हमें बहुत सारे अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता, हमें डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक दिन हेल्प लेनी पड़ेगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो एक हफ्ता भी लग सकता है। उसके बाद कभी आपको लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आवाज, आपका तलफ्फुज़ हमेशा अच्छा रहेगा। अब इसमें से कोई सवाल है तो बताइए। जल्दी बताइएगा, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और इसी तरह इन्होंने जैसे कहा ना, मैं नात पढ़ती हूँ लाइक प्रोफेशनल, तो नात में भी इसी तरह जरूरत होती है। राइमा, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जब भी आपको कोई आवाज पिक करनी है, कोई भी, अगर आपको कार्टूनिक करेक्टर भी कोई पिक करना है ना, उसकी कार्टूनिक करेक्टर की आवाज डब करनी है, तो आपने पता है क्या करना है, आपने उस कार्टून को देखने नहीं देखना। आप अगर इसी तरह आपने नात कोई प्रैक्टिस करनी है, आपने उस पर्सन को नहीं देखना, उसके चेहरे की तरफ नहीं देखना, बल्कि अपनी आंखें बंद करके अपने कान के पास या अपने हैंड्स फ्री लगाएं या मोबाइल लेके जाए, और सिंपल यूं कान बंद करके उसकी आवाज पे फोकस करें, देखें कि वो कहाँ पे तेजी से बोल रहा है, कहाँ पे धीमे बोलता है, क्या उसका एक्सेंट है, और वो जो उसका एक्सेंट है ना,
उसे अपने कानों में एब्जॉर्ब करें और वहां से अपने ब्रेन में एब्जॉर्ब करें। जैसे जैसे आपका उस पर फोकस होगा ना और वो चीज आपके फोकस में आ जाएगी, वैसे वैसे आपकी जुबान वो चीज बोलने लगेगी। तो यूं आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप हूबहू वैसे बोलने लगेंगे। सारी बात ना लाइक फोकस की होती है। मिसाल के तौर पर अगर राइटिंग की भी बात की जाए ना, आप बचपन में जिस शख्स के पास बैठेंगे उसकी राइटिंग पे फोकस करने लगेंगे ना, और आपकी राइटिंग भी वैसे वैसे होती जाएगी। और इसी तरह आवाजें हैं, आप आवाजों पे बस गौर करने लगे, उन्हें अपने फोकस में लेके आए, उनपे डीप डीप फोकस, इंतहा की तवज्जो, और वैसे वैसे आपकी आवाज बनती जाएगी। अच्छा आयशा, आयशा आपका सवाल अधूरा है कि आप माइक्रोफोन की बात कर रही थी, फिर मैं माइक्रोफोन की बात कर रही थी, आपका सवाल क्या है? बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका। कोई बात नहीं आयशा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। मैम प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब देखे, मोबाइल प्रैक्टिस के लिए। अच्छा रायमा, इसमें मैंने ना मतलब कुछ एंकर्स बताए थे, कुछ मैंने वॉइस आर्टिस्ट बताए थे। वॉइस आर्टिस्ट को उर्दू में सदाकार कहते हैं। सदाकार के बारे में, जो अच्छे वॉइस आर्टिस्ट, जो लेवल के, एवे ही नहीं कोई भी, मतलब अभी ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। यूट्यूब पे तो इतनी वॉइस रिकॉर्डिंग की, इतनी वॉइस ओवर्स की जरूरत पड़ती है ना कि हर यूट्यूब में आपको आवाज का इस्तेमाल दिखाई देगा, लेकिन वो इतनी अजीबोगरीब, मतलब कोई भी उठ के रिकॉर्डिंग कर देता है, कोई उसकी तुक्की नहीं बनती। तो उन लोगों को नहीं सुनना, अच्छे जो वाकया ही कोई आर्टिस्ट है ना, उन्हें जाके सुनना है प्रैक्टिस के लिए। उनसे भी ज्यादा उन्हें भी सुने कि सबका अलग अलग, हर किसी का ना अपना ही एक खूबसूरत सा अंदाज होगा, उन्हें सुने। उसके अलावा खुद बैठ के मेहनत करें, लाइक कोई भी किताब पकड़ें और आपने उसका पैराग्राफ रिकॉर्ड करना है, उसे देखें, उसे आप पढ़ रही हैं, आप देखें कि कहीं आपको एक तलफ्फुज तो गलत नहीं पड़ रही। जहां पे आपको लगे कि आपको इस लफ्ज का तलफ्फुज नहीं आता, जाएं और जो मैंने आपको एप्स बताई हैं उन पे जाके सर्च करें। वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक इराब भी आ जाता है आपके सामने, दूसरा एक माइक का ऑप्शन होता है। आपने माइक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, खातून उसका तलफ्फुज बोलेंगी, आपने उसे फोकस करना है और वैसे तलफ्फुज बोलना है। तो वही मैंने बोला, उस तलफ्फुज को, मतलब आपको शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि तलफ्फुज में आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा, एक ये तरीका। उसके अलावा आपके पास कोई गाइडर मौजूद हो, जैसे मैं मौजूद हूँ, आप मुझे मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। उसके अलावा मैंने, जो आपने वॉइस आर्टिस्ट का पूछा, मैंने लिंक्स शेयर किए हुए हैं, बच्चों तक पहुंचे हुए हैं, मैं आपसे भी शेयर कर लूंगी, दोबारा शेयर कर लूंगी। एक है, मैं मुझे वो एक खातून बहुत पसंद है, महपारा सफदर, वो बहुत कमाल की, पहले वो हमारी पीटीवी की न्यूज एंकर रह चुकी हैं, बहुत कमाल की उनकी आवाज, उनका एक्सेंट, उनका तलफ़ुज़, एक एक चीज परफेक्ट होती है। और पता है उर्दू इसमें पता है क्या होता है, वॉइस ओवर में आपने ना हर चीज की साइकी को समझना होता है और उससे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है और फिर बोलना होता है। तो उसमें, इसमें सब में, इस सब प्रोसेस में बहुत मिठास सी फिर आपकी जुबान में आ जाती है, आपकी जुबान ना मीठी सी हो जाती है। आप सिर्फ वॉइस वॉइस इंडस्ट्री की बात नहीं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत खूबसूरत बोलने लगते हैं। कहीं स्पीच करनी हो, कहीं होस्टिंग करनी हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें महारत हासिल होती जाती है। और जिसे कहते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि सारा काम, बल्कि पूरी दुनिया में काम ही बात से होता है, कि अगर आप में एतमाद है और आपको अपने लफ्जों के जरिए, अपनी जुबान के जरिए अपनी बात को प्रेजेंट करना आता होता है। मिसाल के तौर पर नॉलेज सब लोगों के पास होता है, लेकिन वक्त उस बात की है, इम्पोर्टेंस वैल्यू उस बात की है जो आप सामने प्रेजेंट करेंगे, जो सबके सामने पेश करेंगे। जिसने अंदर दबा के रखा हुआ है, भले वो किसी के पास, लाइक मैं मिसाल देती हूँ, दो लोग हैं, एक इधर एक और खातून बैठी हुई है, इधर मैं बैठी हुई हूँ, इनके पास बहुत नॉलेज है, इंतहा का नॉलेज है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन ये किसी को बताती नहीं है, इन्हें बताना ही नहीं आता।
तो इनके नॉलेज का आपको नहीं फायदा होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई खातून मौजूद है यहाँ, या यहाँ पे अगर आयशा मौजूद है या राइमा मौजूद है। अगर आप खामोश बैठी रहेंगी, आप कभी बात ही नहीं करेंगी, सारा कुछ अपना सारा नॉलेज अपनी सारी स्किल्स अपने अंदर दबा के बैठी रहेंगी, दुनिया को कभी नहीं पता चलेगा, मुझे कभी नहीं पता चलेगा, बल्कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई आपके पास नहीं आके पूछेगा कि जी आयशा आप प्लीज बोलिए, आप हमें बताइए कि आप कितना खूबसूरत बोलती हैं। अहमियत किसकी होगी, मेरे पास नहीं भी नॉलेज ना, मैं बोल रही हूँ बातें कर रही हूँ तो मेरी अहमियत होगी कि मैं कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाती हूँ। कहने का मकसद यह है कि उस चीज की अहमियत है जो आप चीज जितने अच्छे से जैसे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, वो गलत भी होती है ना, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई भी कहानी सुना दूंगी ना, आप लोग मान जाएंगे, भले वो झूठी हो, ये हकीकत है। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी मुकम्मल एतमाद के साथ, आप वो मुझे पता होगा झूठी होगी। आप लोगों ने कहना है वाह मैम क्लैपिंग, आप ही बेस्ट हैं। एक इधर बंदा बैठा हुआ है, वो हकीकत पे मबनी उसके पास किस्से हैं, वो नहीं बोल रहा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो बात करने से, खुद पे अपनी आवाज पे काम करने से धीरे धीरे आप माहिर होते जाते हैं, और आपको मतलब इसका आपको बहुत फायदा होता है। अब कोई सवाल है तो पूछें। मैं इंतजार कर रही हूं, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज बताइए। हमारे पास कुछ मिनट्स बाकी हैं, उसके बाद फिर हम अर्निंग की तरफ बात करते हैं। आयशा, एमन, माहम, नेहा, राइमा, कोई सवाल प्लीज। राइमा ने कोई मैसेज किया है। मैम क्लियर, थैंक यू राइमा। अच्छा, सबसे हम प्रैक्टिस से ये बात हो गई कि हमें काम करना है, खुद पे काम करना है, अपनी आवाज पे काम करना है, हर तरह से काम करना है, बस मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत। पहले एक हफ्ते, या अगर आप ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट हैं, और पहले 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है, आपकी आवाज, आपकी बेस, सब 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 अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं, आपको खुद पे एतमाद हासिल करना है, और जूं जूं आपको खुद पे एतमाद, अब आपको एतमाद भी आ जाता है खुद पे, सब आ गया कि आप कहते हो कि भाई अब तो मैं माहिर हूं। और अगर माहिर भी नहीं है, माहिर कोई भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, हमेशा हर किसी को बेहतरी की गुंजाइश तो बाकी रहती है ना। ये जुबानें, ये आवाजें, ये एक्सेंट्स बहुत वसीय हैं, इनमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, नए लोग आते रहते हैं, नई नई बातें आती रहती हैं, लेकिन लेकिन सबसे अहम एतमाद है। अब आपको एतमाद आ गया, अब आप चाहते हो कि मैंने इतनी मेहनत की है तो कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अर्निंग होनी चाहिए। अर्निंग ना भी हो तो कम से कम मेरी आवाज के जरिए थोड़ा फेम ही मिल जाए, कम से कम लोग मुझे जानने लगे। तो आपको इब्तिदा कहाँ से करनी है, ये नहीं मैं कह रही, ये कभी भी नहीं सोचना हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे बच्चों की एक बहुत बड़ी गलती है कि वो थोड़ी सी बात सीखते हैं और उन्हें ये खुशफहमी हो जाती है कि वो एक्सपर्ट हैं, और वो रोने लगते हैं कि भाई हमें तो कोई काम ही नहीं दे रहा, हम ही तो महान हैं, हमारे पास तो इतनी डिग्री है। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है, आपको मगजमारी करनी पड़ती है। इतना कुछ करने के बाद आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको सैंपल्स तैयार करने हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे वॉइस इंडस्ट्री में, वहां पे लोगों को नहीं मतलब लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपका नाम क्या है, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी खूबसूरत हैं। हाउ यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इधर अपना नंबर शेयर करती हूँ, और आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, फिर मैं आपको मैनेजमेंट का नंबर दे दूंगी, या आप मिराल ग्रुप में मैसेज कर सकती हैं तो मैम हम आपको ऐड कर देंगी। जरूर, आई थिंक ये ठीक है जी। मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है फौरन से इंटरप्शन आए तो, मैं क्या बात कर रही थी।
प्लीज बताइएगा मैं क्या बात कर रही थी। हाँ, आपको सैंपल्स तैयार करने, कहीं पे भी आप जाते हैं आप कहते हैं उन्हें नहीं मतलब कि आप कितनी प्यारी हैं, आप कितनी अमीर हैं, कितनी आपके पास डिग्रियां हैं। आप अप्लाई करते हैं ना कि भाई मुझे कार्टूनी करेक्टर डब करना है, मुझे अच्छी, मैं अच्छी स्पीच कर सकती हूँ, प्लीज मुझे अपने ग्रुप में शामिल करें या मुझे काम दें। या आप कहती हैं कि मैं बड़ी अच्छी स्टोरी नरेटर हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी स्टोरी नरेशन आती है तो प्लीज मुझे काम दें। वो कहेंगे अपने सैंपल्स दिखाएं। और सैंपल्स में भी एक तो होता है कि आपने खुद से सैंपल्स बनाए हुए, या आपने अगर कहीं किसी यूट्यूब पे किसी जगह पे काम किया है तो आप लिंक्स शेयर करते हैं। अब पहली दफा तो कोई यूट्यूबर भी आपको काम नहीं देगा, काम कैसे मिलता है? खुद से सैंपल तैयार करें, रिकॉर्डिंग्स करें और बेस्ट करें, उन पे काम करें, उनकी वीडियोस बना के अपने पास भी रख लें या किसी पेज पे शेयर करवा दें, या आप खुद यूट्यूबर्स को अप्रोच करें, उन्हें कहें कि देखो मैं कितना अच्छा काम करती हूँ, मुझसे फ्री में काम करवा लो। ठीक है, आपने अपनी सिंसेरिटी शो करनी है, वो आपसे फ्री में काम करवाने के लिए तो हर कोई भागा चला आता है ना, फौरन से एग्री हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, वो आपको कोई बड़ा यूट्यूबर आपको फ्री में काम करने देता है ना, तो उसके चैनल पे उसके लिए काम करें। इससे क्या होगा, आप 2 3 4 5 वीडियोस पे उसके लिए काम करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बिल्ट हो जाएगा। मतलब जो ही उसके चैनल पे आपके नाम के साथ वो वीडियो अपलोड होगी आपकी आवाज में, आपका तो एक अच्छा सा सैंपल बन गया। तो जब आपको, अब आपको पेड वर्क की तरफ आने, तो आप जहां पे भी जाएंगे वो आपसे सैंपल्स मांगेंगे, आप तो आपने वो उठा के लिंक या वीडियो शेयर कर देनी कि देखो मैंने तो इतने बड़े चैनल पे काम किया है। और वो मतलब वाकई इंप्रेस होगा कि वाह मतलब काम की बंदी है। उसके अलावा फेसबुक पे फ्रीलांसिंग के ग्रुप शामिल, वैसे तो जहाँ पे भी आप जाएंगे कि हमें वॉइस ओवर का काम करना है तो सबसे पहले सजेस्ट की जाती है फाइवर। ठीक है, लेकिन फाइवर का नाम सुनते ही आप भी भाग जाएंगे या कोई भी भाग जाएंगे कि ओ माय गॉड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, मुझे तो 2 3 साल यहीं पे लग जाएंगे। तो उसका आसान तरीका यही है कि अपनी आवाज पे मेहनत करें, किसी यूट्यूबर को अप्रोच करें या किसी अच्छे पेज को अप्रोच करें, वहां पे कहें कि भाई मैं आपके साथ फ्री काम करने के लिए तैयार हूँ। और उसके अलावा फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। एक वक्त तक ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जब लाइफ स्किल्स के लेक्चर दिए थे उसमें भी मैंने यही बताया था कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पोस्ट पढ़ना शुरू करें, देखें कि कैसे जॉब्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे आपको इंतहा की जैसे कहते हैं पोस्ट मिलेंगी कि भाई हमें तो वॉइस ओवर फला उर्दू वॉइस ओवर की जरूरत है, हमें यूट्यूब के लिए जरूरत है, हमें न्यूज के लिए जरूरत है। तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, हमें जी कंटेंट राइटर की जरूरत है, और जॉब्स ही जॉब्स हैं, जॉब्स ही जॉब्स हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है, फिर आपने उनकी आईडी देखना होती है कि किस तरह का इंसान ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है, हमें प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। फिर आप नीचे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स लाखों के कमेंट्स, इतने लोग बैठे हुए हैं इंतजार में, 1 मिनट में जॉब आती है, पीछे इतने वो कैंडिडेट्स आ जाते हैं, उम्मीदवारों की लाइनें लगी हुई हैं। अब क्या होगा, आप एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, लोग तो बहुत है, रो रहे हैं स्टूडेंट्स, लड़कियां, मेल्स, फीमेल्स रो रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, लेकिन एक भी बंदा काम का नहीं है। तो आपको शो करना है कि आप कितनी काम की हैं या आप कितनी टैलेंटेड हैं। तो फिर क्योंकि एक मैम जी मैम 1 मिनट रहता है, अगर आप असाइनमेंट्स दे दें स्टूडेंट्स को तो असाइनमेंट इनके यही है कि मुझसे कांटेक्ट करें, हमें हर स्टूडेंट का सैंपल तैयार करें, कम से कम आप एक वीडियो तो मेरे साथ मिलकर तैयार करें और वो वीडियो आपकी परफेक्ट हो, उसे हम जैसे कहते हैं ग्रुप में भी पब्लिश कर देंगे और वो भी आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर सकती हैं। तो स्क्रिप्ट मैं आपको खुद भी दे दूंगी, आप खुद भी तलाश कीजिएगा और आपको खुद को देखना है कि आप किस कैटेगरी में फिट बैठती हैं। आप चैनल्स के लिए, आप न्यूज़ चैनल्स के लिए फिट बैठती हैं, आप अच्छी स्पीच कर सकती हैं, आप अच्छी होस्टिंग कर सकती हैं, आप कार्टूनिक करेक्टर्स जब कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू सो मच मैम जवेरिया अतीक हमें ज्वाइन करने के लिए अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टिसिपेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़.